अस्सलाम वालेकुम। कुरलूश उस्मान सीज़न 4 की किस्त 129 के इस खूबसूरत सीन में उस्मान साहब नाईमान को गिरफ्तार करके यानी शहर लेकर आते हैं। तमाम आवाम नाईमान को खूब मारना शुरू कर देते हैं। तब नाईमान सबको कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सब मरोगे। इसके साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और लोगों को कहते हैं कि हटो, मुझे गुजरने दो। फिर नाईमान को उस्मान साहब कहते हैं कि जो तुमने किया है ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है और तुम अपनी मौत तक चल कर नहीं जाओगे। फिर उस्मान साहब लोगों को कहते हैं कि रास्ता बनाओ। तो नाईमान देखता है कि उसका सर कलम करने के लिए तख्ता तैयार किया हुआ होता है। तभी इसी गुनहातून आगे बढ़कर कहते हैं उस्मान साहब ये सब क्या है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि हर कोई अपना अंजाम पाएगा। और फिर उस्मान साहब नाईमान को रस्सी के ज़रिए खींचना शुरू कर देते हैं और उसको खींच खींच कर तख्ते की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नाईमान उठने की कोशिश करता है लेकिन उस्मान साहब पूरी कुव्वत के साथ उसको घसीटते हुए उस तख्ते तक ले जाते हैं। तमाम आवाम और सिपाही ये सब मंजर देख रहे होते हैं और साथ साथ चल रहे होते हैं। उस्मान साहब तख्ते के करीब पहुँच कर उसको घसीट कर तख्ते के ऊपर ले कर जाते हैं। तमाम आवाम तख्ते के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है। इसके साथ ही उस्मान साहब लोगों को कहते हैं कि ऐ लोगों, तमाम फितनों और फसाद के पीछे ये नाईमान ही था। इसने हमारे लोगों का खून बहाया है। और इसरीगन खातून कहती हैं कि इसके सर का हकदार गज़न खान है, लेकिन सबसे बेहतरीन दुश्मन वो होता है जो मुर्दा होता है। और इसने हमारे लोगों का खून बहाया है, हमारे लोगों पर जुल्म किया है, तो इसलिए इसका खून गिराना हमारा हक है। तब इसरीगन खातून कहती हैं कि उस्मान साहब, नाईमान तब्रेज़ जाएगा और गज़न खान इसका हिसाब करेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं। इसरीगन खातून कहती हैं अगर ये मर गया तो बहुत गलत होगा। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं अब इसको दूर नहीं जाने दूँगा और गज़न खान को इसका सर भेज देंगे। तब नाईमान कहता है कि मैं मर गया तो मेरी मौत इंतकाम को जन्म देगी। तो उस्मान साहब कहते हैं कि जंग इंतकाम से बड़ी होती है। जो लोग हमारी ज़मीनें हथियाना चाहेंगे वो तबाह हो जाएंगे और तुम्हारा सर उनके लिए इबरत होगा। इसरीगन खातून कहती है उस्मान साहब ऐसा ना करें। नाईमान कहता है गोक टेंगरी, मैं आपके लिए लड़ा और आपके लिए मरने जा रहा हूँ। उस्मान साहब कहते हैं बस अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। और इसके साथ ही उस्मान साहब तलवार का एक भरपूर वार करते हुए नाईमान का सर उसके तन से जुदा कर देते हैं। तब इसरीगन खातून कहती हैं कि आपने ये सही नहीं किया। तो उस्मान साहब कहते हैं मैंने वही किया जिसका ये हकदार था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।